नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक ने आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी ब्रोगली हाइपोथेनेसिस या डी ब्रोगली की परिकल्पना के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, आपने पीछे वाली क्लासेस देखी हैं या न देखी हो, लेकिन अगर आपने आज की क्लास देख ली तो आपको जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें बहुत जो समझने में दिक्कतें हैं वो बहुत कम हो जाने वाली हैं। तो आज की क्लास आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से अटेंटिव रूप से जो भी बातें क्लास में बताई जाएँ वो आपको सारी की सारी याद रखनी है। और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो आपके लिए एग्जाम के लायक, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डी ब्रोगली हाइपोथेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली परिकल्पना क्या है। लेकिन उससे पहले सुनिए थोड़ा सा क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कि सबसे पहले हमें पता है कि कुछ चीज़ें आप भी जानते हैं कि लाइट, लाइट को सबसे पहले कणीय प्रकृति के रूप में माना कि लाइट होती है वो क्या होगी, कणीय प्रकृति की होगी। बहुत बार ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी लाइट को, उसके बाद हमने लाइट को ये भी कहा कि लाइट की प्रकृति नेचर है वो तरंगीय प्रकृति की भी होती है, तरंगीय उसकी नेचर तरंगीय होती है। पहले हमने कहा कि लाइट है वो क्या होगी, कणीय रूप में होगी। कब कहा, जब हमने फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पढ़ा, उसमें हमने फोटोन के बारे में पढ़ा, तो वहाँ पर कहा कि लाइट है वो कण के रूप में व्यवहार कर रही है, कण के रूप में व्यवहार कर रही है। लेकिन जब हमने व्यतिकरण विवर्तन जैसी घटनाएं पढ़ी तो वहाँ पर हमने कहा कि जो लाइट है वो तरंगीय रूप से अध्ययन कर रही है। ये चीज़ें बहुत सालों तक हमें समझ में भी नहीं आई, लेकिन उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे 1905 में आइंस्टीन और नील्स बोहर जैसे साइंटिस्टों ने कहा, क्या कहा कि लाइट, इसको ये सारी चीज़ें स्टडी करके उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर की होती है। क्या, शाबाश, लाइट होगी वो ड्यूअल नेचर की होगी, यानी इससे अर्थ क्या हुआ कि द्वैत प्रकृति की होगी। लाइट हमारी कणीय रूप में भी होगी, लाइट हमारी तरंगीय रूप में भी होगी, उसकी प्रकृति दो प्रकार की होगी। लेकिन अगर हम एक ही मीडियम के अंदर लें, यानी एक बार में हमने लाइट स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें केवल मात्र एक ही प्रकृति होगी, या तो वो कणीय हो सकती है या फिर तरंगीय होती है। इसका क्या, इससे क्या समझे आप, यानी जब मैं किसी मीडियम पर लाइट को डालूंगा या आपतित करवाऊंगा तो वहां पर अगर हम उसकी स्टडी करना चाहें तो एक टाइम में केवल मात्र वो एक ही प्रकृति को शो करेगा। अगर कणीय प्रकृति को शो कर रहा है तो वो कणीय, लेकिन अगर तरंगीय कर रहा है तो तरंगीय। लेकिन एक टाइम में, ध्यान से सुने इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टाइम में वो एक ही प्रकार की लाइट को, एक ही प्रकार की, यानी क्या, तो कणीय या फिर तरंगीय शो करेगा। ये चीज़ बताई आइंस्टीन और नील्स बोहर जैसे साइंटिस्ट ने। मैन रोल आइंस्टीन का था, इसने बताया कि ये क्या होगी, ड्यूअल नेचर की होगी, द्वैत प्रकृति की होगी। अब बारी आती है इस चीज़ को स्टडी करने के बाद, अब सभी ने स्टडी किया और यहाँ पर अपना सिद्धांत दे दिया। अब डी ब्रोगली क्या कहता है, अब डी ब्रोगली की बारी आएगी। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि लाइट ड्यूअल नेचर की होती है, वो कणीय भी हो सकती है और तरंगीय भी हो सकती है। अब 1924 की बात है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 1924 में क्या हुआ, जो डी ब्रोगली है उसने बहुत सारी स्टडी की, डी ब्रोगली ने, जो मेरे पास जो का पार्टिकल है, इसने पदार्थ को लिया, इसने इस पर स्टडी की, कणों पर स्टडी, लाइट पर स्टडी की, उसने बता दिया कि ड्यूअल नेचर है। और इसके साथ साथ इसने स्टडी की तो इसने कहा कि जो द्रव्य कण है, अब बताऊंगा क्या होगा द्रव्य कण या कहें मैटर यानी पदार्थ। इसने क्या कहा कि जो द्रव्य कण है, द्रव्य कण क्या होते हैं सर, हमें समझ में नहीं आया, तो द्रव्य कण समझिए क्या है, द्रव्य कण या मैटर ऐसे कण जो किसी स्पेशल कंडीशन पर तरंगीय प्रकृति को शो करें, ऐसे कण जो स्पेशल कंडीशन पर तरंगीय प्रकृति को शो करें तो वो कण क्या कहलाते हैं, द्रव्य कण। और ऐसी जो तरंग बनी है वो द्रव्य तरंग कहलाएगी। क्या समझे शाबाश, कि ऐसे कण जो
किसी स्पेशल कंडीशन पर, स्पेशल कंडीशन पर तरंगीय प्रकृति को शो करते हैं, कण है वो तरंगीय प्रकृति को शो करते हैं। तो ऐसे जो पार्टिकल्स हुए वो मेरे द्रव्य कण कहलाएंगे और ऐसे ही इन्हें मैटर कहेंगे। तो इन्होंने मैटर पर कहा, क्या कहा कि जो द्रव्य कण है वो भी, ध्यान से सुनिए कि द्रव्य कण है वो भी ड्यूअल नेचर दर्शाते हैं, ड्यूअल नेचर दर्शाते हैं। इसका क्या हुआ कि वो भी द्वैत प्रकृति को दर्शाते हैं, यानी उनमें भी तरंगीय और कणीय प्रकृति होगी, किनमें, द्रव्य कण में। लेकिन हमने लाइट के बारे में पढ़ा और ये द्रव्य कणों के बारे में बता रहा है डी ब्रोगली, और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो एक दो हम डेविसन जर्मर प्रयोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो आगे होने वाली क्लास है हमारी, उसमें डेविसन जर्मर के बारे में पढ़ेंगे। डेविसन जर्मर प्रयोग क्या है, उसमें बताया गया है ये चीज़ें कि किस प्रकार ये होती है, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को त्वरित करके और हम वहाँ से उसकी जो वैल्यूज आएंगी जो त्वरित करेंगे उसकी लैम्डा तरंग दैर्ध्य क्या आएगी वो डी ब्रोगली के इक्वल होगी। तो वो डेविसन है वो इस प्रयोग को प्रूफ कर देगा, और इस प्रयोग के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो ये मेरा डी ब्रोगली है, इन्होंने आइंस्टीन व प्लांक थ्योरी व आइंस्टीन का जो रिलेटिव थ्योरी है, सापेक्षिकता का सिद्धांत है आइंस्टीन का, और जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी है उसको लेकर उसने अपना सिद्धांत दिया, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि ड्यूअल नेचर की होती है, इसी को इसने अकॉर्डिंग लेकर अपने और इससे इसने निष्कर्ष निकाला और अपनी एक समीकरण दी, वो अब सबसे इंपॉर्टेंट है। वो इस इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं तो वो साथ साथ जरूर लिख लें। तो उसने इक्वेशन दी और इस इक्वेशन को डी ब्रोगली रिलेशन कहा गया, डी ब्रोगली संबंध कहा गया। किस प्रकार है वो अब देखिए, डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली अब कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब मैंने बताया कि उसने आइंस्टीन और प्लांक को आधार मानकर, जो प्लांक ने और आइंस्टीन ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, अपनी थ्योरी दी है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी इस थ्योरी को दिया है। किस प्रकार, अब देखिए वीडियो में आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी। अगर सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक का बटन है उसे दबा दें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको हर चीज़ क्लियर हो रही है, और इससे मेरा और भी अधिक कॉन्फिडेंस बढ़ सके और मैं आपके लिए इसी तरह के वर्क कर सकूँ। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए हम बढ़ते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में, क्या होती है, किस प्रकार होगी, किस प्रकार हम प्रॉपर वे से इसे पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा कि आइंस्टीन और प्लांक को ये आधार मानेगा, तो आपको पता है कि जो फोटोन की एनर्जी है उसके बारे में प्लांक ने क्या कहा कि E बराबर इसकी एनर्जी होगी, एच न्यू इक्वेशन नंबर वन। लेकिन आइंस्टीन साहब ने क्या कहा, आइंस्टीन क्या कहते हैं कि ये तो E बराबर एम सी स्क्वेयर होती है भैया। ये लीजिए इक्वेशन नंबर वन बन गई, इक्वेशन नंबर टू बन गई, दोनों के अकॉर्डिंग एनर्जी बनी है, दोनों के अकॉर्डिंग एनर्जी। तो हम डी ब्रोगली ने क्या कहा, दोनों को बराबर रख दूं मैं, और क्या है मेरे पास, कुछ है ही नहीं, दोनों को बराबर रख देता हूं मैं, क्या पता कुछ मिल जाए मुझे, क्या पता कुछ इक्वेशन ऐसा बन जाए। कुछ नहीं किया, दोनों इक्वेशन को बराबर रख दिया और एक रिलेशन निकाल दिया कि ये रिलेशन है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें अच्छे नंबर चाहिए तो ये रिलेशंस भी हमें पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम के व्यू से। तो देखिए यहाँ से उसने कुछ नहीं किया, एच न्यू बराबर एम सी स्क्वेयर। अब आपको पता है चूंकि न्यू जो आवृत्ति होती है वो सी अपॉन लैम्डा के इक्वल होती है, यहाँ से ये वैल्यू रख दी इसने, चलिए वैल्यू रख देते हैं एच सी अपॉन लैम्डा एम सी स्क्वेयर। एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बनता, एच अपॉन लैम्डा एम सी। अब देखिए द्रव्यमान सी क्या हुआ, वेग, तो इससे क्या बना, ये मोमेंट संवेग बन गया, यानी आपको पता है पी बराबर क्या होता है एम वी, वी की जगह सी आ गया, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं पी, और यहाँ से इक्वेशन बन गई मेरे पास, क्या बन गई शाबाश बताएं, कि लैम्डा की जो प्रॉपर वैल्यू है लैम्डा एच अपॉन पी, ये कहलाता है डी ब्रोगली रिलेशन। कुछ नहीं किया इसने, बस जो आइंस्टीन और प्लांक है उनकी थ्योरी को ही लेकर और अपना एक इक्वेशन निकाल दिया, उन्हीं से इक्वेशन निकाल दिया, और उन्होंने बताया कि जो आइंस्टीन और प्लांक है वो सही है, वो ड्यूअल नेचर की होती है, जो एनर्जी इन्होंने दी है ठीक उसी प्रकार उन्होंने लेकर चले और बाद में अपनी इक्वेशन निकाल दी लैम्डा बराबर एच बटा पी। ये आगे जाकर डी ब्रोगली रिलेशन कहलाई, यही डी ब्रोगली रिलेशन कहलाई। अब देखिए क्या होता है,
अब डी ब्रोगली क्या करेगा, ध्यान से सुनिए, त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य, अगर इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर दें, यानी कोई एम नोट द्रव्यमान का कोई मेरे पास पदार्थ मान लीजिए कोई कण है, उसमें अगर मैंने Q आवेश है और V उसे आवेश, Q उसमें आवेश है और V भी विभवांतर, उसे देकर मैंने त्वरित किया तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ेगी। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते हैं, कुछ विभवांतर लगाते हैं, तो उसकी एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि जो एनर्जी गतिज ऊर्जा है के बराबर, वो किसके इक्वल होती है, आवेश क्यू इंटू जो विभवांतर दिया है वी, ये इक्वल होगी 1/2 एम नोट वी स्क्वायर के। यही पढ़ते आए हैं, हमने फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गतिज ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी वो के बराबर क्यू वी, वहाँ पर ई लिया था हमने तो ई न्यू हो गया था और यहाँ ई वी हो गया था, और इक्वल 1/2 एम वी स्क्वेयर। अब सुनिए ध्यान से, 1/2 एम वी स्क्वेयर को अगर मैं ऊपर नीचे एम नोट की मल्टीप्लाई करा दूँ तो यहाँ पर ये क्या बन गया, मेरा संवेग बन गया, तो यानी 1/2 एम नोट ये बन गया मेरा पी स्क्वेयर, क्लियर हुआ। लेकिन ये इक्वल किसके हैं, के इक्वल है पी स्क्वेयर टू एम नोट। अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मेरे पास पी की वैल्यू क्या होगी, √2 एम नोट के, ये मेरे पास पी की वैल्यू आ गई, ये क्या है मेरे पास संवेग की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूं, क्योंकि डी ब्रोगली के अनुसार हमें निकालनी है, ये इक्वेशन है मेरे पास, अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो ये पी की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, और यहाँ पर पुट करूँगा तो लैम्डा इक्वल √2 एम नोट के। लेकिन हमने अभी निकाला है के बराबर क्या है, क्यू और वी जो हमारा विभवांतर है, क्यू विभवांतर और वी हमारा, क्यू आवेश है और वी विभवांतर है, तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू रखते हैं तो √2 एम नोट क्यू वी। अब कुछ नहीं करना, अब आपको जो वैल्यू हमें मिली है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकलनी है। देखिए एच बराबर होता है 6.62 लिख लीजिए 10^-34 इंटू जूल अपॉन सेकेंड, ठीक है। और यहाँ से एम नोट जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10^-30 kg, ठीक है। और यहाँ से क्यू आवेश की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है 1.16 × 10^-19 कूलाम। ये वैल्यूज अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं, लैम्डा इक्वल एच अपॉन √2 × 9.1, यहाँ पर भी वैल्यू रखनी है 6.62 × 10^-34, और यहाँ से अगर वैल्यू रखी 10^-31 इंटू में क्यू की वैल्यू 1.16 × 10^-19, और यहाँ से वी अंदर इसके मल्टीप्लाई मेरे पास है ही, तो यहाँ से देखिए इतना तो हमें क्लियर हो गया कि इतना यहाँ पर आ जाएगा। और अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये 1.16 होता है 1.66 × 10^-19 कूलाम, सॉरी दोस्तों। अब देखिए लैम्डा की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू तो इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो 12.27 × 10^-10 अपॉन √V, क्योंकि हमें डायरेक्ट ये वैल्यू याद ही होनी चाहिए कि क्या आएगी वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 12.27 × 10^-10 अपॉन √V। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास लैम्डा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं आगे, इसके आर्मस्ट्रॉन्ग लिख देंगे, 12 × 2 × 10^-माइनस को लिख देते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहाँ से अपॉन √V। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई लैम्डा की, और इसे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहेंगे, त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है, और यही वैल्यू होगी, और यही डी ब्रोगली रिलेशन है, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको ये चीज़ें दे देगा, इससे सर्वाधिक क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम हो, BSc लेवल का हो, चाहे कोई भी नीट IIT JEE कोई सी प्रकार का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, और ये आपको
फॉर्मूले याद रखने हैं जितने भी मैं कराऊं, आपको एक भी फॉर्मूला नहीं देखना है, भूलना है, और ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। वीडियोस को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ यहाँ से क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो इस क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि हम इसी तरह के कंटेंट आपके लिए ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।